आज की कहानी का टाइटल है बहू तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है। रिया को लेबर पेन शुरू हो गया था, उसे लेकर हॉस्पिटल आ गए। डॉक्टर ने कहा बस थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोगों को बहुत जल्दी खुशखबरी सुनने को मिलेगी। सुमित्रा जी बाहर बैठी हुई थी, थोड़ी देर बाद खबर आई कोई एक लोग अंदर आ जाओ। सुमित्रा जी ने अपनी बहू से कहा रागिनी जाओ देख कर आओ। रागिनी मुस्कुराते हुए अंदर गई और जब बाहर लौट कर आई तो उसका मुंह उतरा हुआ था। सुमित्रा जी ने पूछा क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है। रागिनी बोली वही हुआ जिसका डर था, फिर से बेटा हुआ है। कितनी मन्नतें मांगी थी कि एक बेटी हो जाए, ना मेरी बेटी और ना ही मेरे बहू की। सुमित्रा जी बोली अरे इसमें दुखी होने की क्या बात है, कौन सा घाटा हो गया है। रागिनी बोली आप नहीं समझोगी माता जी, बात नफा नुकसान की नहीं है, बात ये है कि मेरे बेटा और बहू को भी बहुत इच्छा थी कि उनकी एक बेटी हो जाए, और देख लो सब लोग सच कहते हैं जो चीज मांगो वो नहीं मिलती। बगल वाली के पहले से बेटी थी तो फिर उसके फिर बेटी हो गई, और हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे बेटी दे दो तो फिर बाल गोपाल मिल गए। सुमित्रा जी अपनी बहू का उतरा हुआ चेहरा देख रही थी, वे खुश होकर बोली भाई मैं तो बहुत खुश हूँ, पर दादी तो मैं पहले ही बन चुकी थी लेकिन अब तो दो दो पोतों की दादी बन गई, ये तो बड़े नसीब की बात है। रागिनी पास में ही बैठ गई और बोली माता जी आप मेरा और मेरी बहू का दुख नहीं समझ सकती, क्योंकि आपको तीन तीन बेटियां हैं, आप अपने सुख दुख अपनी बेटियों से कह लेती हैं। मेरे घर में तो राखी और भैया दूज के त्योहार भी सूने हो गए हैं, बड़ा मन था इस बार बिटिया होगी तो आरव को राखी बांध देगी। चाचा ताऊ और बुआ की बेटियां बस कहने को होती हैं, क्योंकि उनके अपने खून के रिश्ते होते हैं। पूरे 9 महीने मैंने और रिया ने दोनों ने माता रानी से यही मांगा था कि इस बार हमारे घर कन्या आ जाए, लेकिन देखा ना कन्या की जगह फिर लांगुर महाराज आ गए। सुमित्रा जी को बहुत जोर से हंसी आ गई और बोली बहू रानी तुम इतना दुखी क्यों हो रही हो, इसमें ना तो तुम्हारा कोई जोर था ना रिया का, ऊपर वाले को जो देना था वो दे दिया, उसे हंसकर स्वीकार करो। चलो सबको मिठाई खिलाओ और आने वाले बच्चे को आशीर्वाद दो, वो स्वस्थ रहे। मैंने पहले ही ऐसी दादी देखी है जो बेटा होने पर दुखी हो रही है, वरना तो लोग लड़कों के लिए परेशान हो जाते हैं। रागिनी बोली माता जी आप मेरी भावनाएं नहीं समझ सकती, मेरे खुद के 2 बेटे और मेरे बेटे के भी 2 बेटे हो गए हैं। मेरा बड़ा मन था मेरे आंगन में छोटे छोटे कदमों की पायल पहनकर नन्हे नन्हे कदमों से छमछम करते हुए घूमे, और मैं उसे खूब सुंदर सुंदर फ्रॉक और स्कर्ट टॉप पहनाऊं, उसके बालों में हेयर बैंड लगाऊं, मेरे तो सारे अरमानों पर पानी फिर गया। सब बहुत खुश थे और एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे, तभी रागिनी ने कहा मेरा तो मन कर रहा है कि बगल वालों से बात कर लूं और उनकी बेटी ले लूं और अपना बेटा उन्हें दे दूं। अमन ने कहा वाह श्रीमती जी एक्सचेंज ऑफर, नहीं नहीं पहले रिया से तो पूछ लो और अरमान से पूछ लो, दोनों बच्चों की क्या इच्छा है, कोई अपना बच्चा कैसे दे देगा, अब जो भगवान ने दिया है उसे स्वीकार करो और खुश रहो। कुदरत का करिश्मा देखिए, अगल बगल में 2 फैमिली थी और दोनों उदास थे, एक को बेटी की चाहत थी और एक को बेटी की। बाद में सब लोगों ने आपस में सलाह मशवरा किया लेकिन इतनी हिम्मत कोई भी नहीं जुटा पाया। सच में बहुत कलेजा चाहिए अपने जिगर के टुकड़े को किसी को दे देने के लिए, और दोनों परिवार अपने अपने ननिहालों को लेकर अपने घर चले गए। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी, अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।